गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देहाती राइडर ब्लॉग्स में आप सभी भाइयों को स्वागत है। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से अपने लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं और ये मेरे पीछे डमाट्रोली का भी जस्ट सीएनजी फ्यूल अप करवा के ही आए हैं। सी चलते हैं यहाँ से कंपनी और देखते हैं आज का क्या प्रोग्राम रहता है। हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि ये प्यार और सपोर्ट आपका बना रहे और आपके दोस्तों का भी। देखो जी हमें कौन मिल गया, इनसे इन्हें जानते हो शायद, आप इन्हें नहीं जानते होंगे। ये हैं अपने प्यारे से दोस्त, कैसे हो? बढ़िया। सबे हाय कर दो। हाय। ये दुर्गेश भैया हैं तो हम बराबर के ही, लेकिन मैं इन्हें भैया कहता हूँ। इनकी मोच दाढ़ी है, हमारी मोच दाढ़ी नहीं है। मोच दाढ़ी वाले भाई को तो सम्मान देना ही पड़ेगा, चाहे बेशक छोटा हो हमसे। और ये दुर्गेश भैया के दोस्त हैं। आपका क्या नाम है जी? हाँ, हाथ मिलाइए। कैसे हो? ऑडियंस को हाय तो कर दो। तो ये हैं रवि भैया, जो मैं आज ही इनसे मिला और काफ़ी यूज़फुल और बढ़िया आदमी है। सो ये भैया यही ट्रक चला रहे हैं। हमारी ये दोस्ती तब की है जब हम ट्रक चला रहे थे, है ना। उसके बाद मैंने ट्रक छोड़ दिया, मैं छोटी गाड़ी पे आ गया। इन्हीं का भाई सत्यम है जो हमारे साथ कल गया था, तब से ही हमारी दोस्ती, हमारी रिलेशनशिप है। तो मैंने देखा इनकी गाड़ी यहाँ वेल्डिंग दुकान पे हो रही थी, तो मैंने सोचा पूछ लूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पास आया तो वही मोटर गार्ड जो पहले से ही वो बेंड पड़ा था, हमारी वजह से नहीं, जब गाड़ी पलट गई थी, यही गाड़ी पलट गई थी एक बारी, तब वो बेंड हो गया था उसी के साथ, है ना जी? जी। हाँ, तब से ही वो सिस्टम था, तो उन्होंने कहा कि सही करवा लेते हैं। टायर में वजन होने के बाद टायर में वो मोटर गार्ड हल्का हल्का लग रहा था, तो चलो ये अच्छी बात है, करवा लिया, आपका काम हो गया सारा जी। चलो जी हम भी निकलते हैं अपने दिल्ली के लिए। टाइम जो है टाइम हो गया है 11:31, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए फटाफट निकलते हैं इधर से। ये कैसे हुआ है? बस भगवान से यही दुआ करना है कि अपना ड्राइवर भाई बच जाए। बहुत ही अजीब हुआ है यहाँ पे एक्सीडेंट, और ड्राइवर साइड ही पलटी है, मेरे को तो कम ही चांस लगता है। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, चलो माल और जो नुकसान हुआ है वो तो चलो भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो इंसान एक बारी चला गया अपनी दुनिया से, वो दोबारा इस दुनिया में। भाई लोग हम धीरे धीरे चलते चलते पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के पास, और पीछे रेड बत्ती पे ना एक BMW और एक मारुति सुजुकी जो है सियाज कंपनी की, मतलब मारुति सुजुकी कंपनी की और सियाज की गाड़ी थी, तो उन दोनों में टक्कर हो गया। BMW वाले का थोड़ा बहुत है नुकसान और उसका, सियाज का तो पता नहीं चला। फिलहाल में हमने भी कर दिया पुल पार करते ही एक और बत्ती आएगी, बत्ती पार करते ही बस अपना डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो फटाफट करवाते हैं खाली, फिर मिलते हैं आपसे। खाली हो गई और हम पहुंच गए अफ्रीका इंक्लू, और थोड़ी दूर चलते ही एम्स आ जाएगा। तो सबसे लड़ाई वहीं की है एम्स की, और ताऊ जी भी आए और लैला भी आए, तो ताऊ जी और लैला दोनों पीछे हैं मेरे, मैं आगे आगे चल रहा हूँ। जाम तो कह रहा है कि आज मैं ही हूँ, गर्मी उससे भी ज़्यादा कह रही है कि आज मैं हूँ। गर्मी और जाम दोनों में टक्कर है, देखो कौन जीतता है। अब करेंगे हम दिल्ली को टाटा बाय बाय, क्योंकि आज के लिए इतने काफ़ी। गर्मी तो भाई साहब बेहिसाब है, देख रहे हो पानी हो रहा है पूरा। एंड हम पहुंच चुके हैं रानी के बाग, यही लास्ट है इसका, मतलब जो ये आप देख पा रहे होंगे जो ये पुल सा बन रहा है, आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो पता नहीं कब तक कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना आई, फिर तो कोई जाम ही ना लगने वाला। चलो फिर निकलते हैं, लेट्स गो। फाइनली भाई लोग हम आ चुके हैं अपने कंपनी के दौरे, और गर्मी जो है, गर्मी का लेवल 2-3 दिन जो पहले हो रही थी ना उससे थोड़ा कम है, मतलब हाँ ठीक ठाक है। और क्या कहते हैं, फिर से सिर में दर्द होने लगा है। अब थोड़ी दूर रह गया बस, ये लाल बत्ती पार करनी, एक इसके आगे वाली पार करनी, फिर आ जाएगी अपनी कंपनी। सो लेट्स सी, चलते हैं अपने कंपनी और देखते हैं कि अगला प्रोग्राम हमारा कहाँ का लोड होता है। एक जगह तो डिलीवर दिया है दिल्ली, और हम पहुंच चुके हैं कंपनी के एकदम दौरे, यहाँ से बस 200-250 मीटर होएगी। बिल मिल गया है और लोड भी होगी हमारी गाड़ी दूसरी चक्कर की, मतलब आज का दूसरा चक्कर होएगा। फिलहाल में हम कर रहे हैं किसी का इंतजार, क्योंकि एक लड़का हमें चाहिए जो वहाँ माल खाली कर सके, नहीं तो वहाँ खुद खाली करना पड़ेगा। तो करते हैं उसका वेट, जब तक नहीं आता है तब तक निकलते हैं इधर से। वहाँ पे ताऊ के साथ एक लड़का गया हुआ है,
वो भी हमारा वही हमारा खाली कर देगा। ये चलो क्या बात है, क्या बात है भाई, कैसे नाराज हो गए। चलो जी पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे ताऊ की ऑलरेडी गाड़ी खाली हो रही है और इनके साथ जो लड़का आया वो हमारी भी गाड़ी खाली करेगा। कैसे हो ताऊ, मस्त? कैसे आज का न्यूज़ बताओ। ये न्यूज़ ही देखते रहते हैं पूरे दिन। बढ़िया है, सब कुशल मंगल। भाई लोग हम कंपनी आ चुके थे 6 बजे और हमारी गाड़ी 3 घंटे में अनलोड हुई। 2 घंटे तो वैसे ही खड़े रहे और मेरे भाई का तो आज जान ही निकाल लिया इन लोगों ने, सब ने मिल के मेरे भाई का जान निकाल लिया है ना। अंदर बाढ़ दिया एकदम अंदर, बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन सोचो यूँ सोचें नहीं ये हेल्पर है तो इस और कोई ना मतलब एकदम चिल, मतलब गर्मी से बेहद मतलब हालत ख़राब है। इसको फटाफट इधर से निकलते हैं। ये अपना बच्चा खड़ा है, अब ठीक है, अब कहाँ चलाना ही है। चलो आज हमें कौन मिला, विशाल भाई, क्या हाल है मालिक? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। और ये इनका लड़का, मतलब इनके साथ ही काम करवाता, इन्हें तो जानते ही हैं। नहीं जानते तुम कौन हो भैया, बोल। तारीफ जरा लंबी है। अच्छा, इनकी तारीफ बहुत लंबी है, बताओगे तब तो। पीने में बिजी हैं, क्या बताएं। तो फिलहाल मैं ठंडा पी रहे हैं, गर्मी बहुत है। आए थे इनकी शॉप पे, ये है इनकी शॉप विशाल भाई की, तो अभी फिलहाल मैं चिल कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, पी रहे हो, कुल्ला कर रहे हो? ओ भाई साहब तरक्की होगी गर्मी गर्मी गर्मी। तो भाई लोग मैं पहुँच गया अपने कमरे पर और आज हमारा खुशी का दिन है क्योंकि 3 दिन के बाद आज मुझे लाइट मिली है पर्याप्त मेरे पहुंचने के बाद। तो इसी के साथ करता हूं वीडियो के एंड। आपको ऐसा मेरी वीडियो जरूर देख के लगता होगा कि ये बंदा जो है, हम जिसकी वीडियो देख रहे हैं, ये बंदा सिर्फ अपनी लाइफ से रिलेटेड दिखाता है, मतलब एक ही कंटेंट रोज़ एक ही कंटेंट। हमारा तो देख देख के दिमाग ख़राब हो गया। कोई नहीं मेरे भाई, मैं कोशिश करता हूँ यार कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा ला पाऊँ, क्योंकि काम ही हमारा वही है और पूरा दिन हमारा सारा उसी में इन्वेस्ट होता है। तो भैया इस बोरिंग के लिए मैं आपसे सॉरी माफ़ी मांगता हूँ और आप अपना प्यार दीजिए। कोई नहीं, मैं हर संडे में कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो, जो थोड़ी सी डीप क्वालिटी की हो रही है, तो मैं सोचूँगा कि इससे मैं मतलब थोड़ी सी अच्छी वीडियोस आए आपके लिए कि ताकि एक दिन तो आप खुशी रहो। सो इसी के साथ करता हूँ वीडियो के अंदर। आई होप कि आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब और साथ के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी एंडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बाय बाय, ज़ूम।